हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ़ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैं चेक करूं कि जो एरे है मेरे पास एक वैल्यू है ठीक है अब मुझे चेक करना है कि उस वैल्यू वो वैल्यू क्या उस एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एरे मैथड्स का एक फंक्शन है जिसका नाम है इंक्लूड्स ठीक है तो वो वो काम इसी तरीके से करता है कि इन जावर यू कैन यूज द एरे डॉट इंक्लूड मैथड टू चेक इफ़ एन एरे इंक्लूड द स्पेसिफिक वैल्यू कि एरे में जो आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो वो एग्जिस्ट है कि नहीं है वो आपको बताएगा एरे डॉट इंक्लूड्स इंक्लूड मैथड बताएगा ठीक है इंक्लूड मेथड रिटर्न ट्रू करता है अगर उसको वैल्यू मिल जाती है नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से अब मेरे पास ये एरे था ठीक है अब मुझे चेक करना है कि थ्री वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करनी है करती है तो मैं कुछ लॉजिक लगा दूंगा नहीं करती है तो मैं कोई और लॉजिक लगा दूंगा ये कई बार सिनेरियोज में आता है ठीक है तो एरे ये मेरा एरे था ठीक है एरे जो भी एरे हो ना, नाम होगा वो लिखना है आपने यहाँ पे एरे डॉट इंक्लूड्स ठीक है इंक्लूड्स और ये वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो पूरे एरे में थ्री फोर फाइव वन टू तो मैंने यहाँ पे चेक किया मैंने थ्री भेजा तो ऑब्वियसली बात है थ्री इसमें क्या करता है एग्जिस्ट करता है तो इसमें आ जाएगा कंसोल एरे इंक्लूड्स द वैल्यू चेक कर लेते हैं सेव करके इसमें वैल्यू एग्जिट करती है ठीक है अगर मैं यहाँ पे थर्टी लिख देता हूँ तो इस इस एरे में तो एग्जिट ही नहीं करती है तो यहाँ पे क्या आएगा एरे डज़ नॉट इंक्लूड द वैल्यू ठीक है तो जब भी आपको एरे में चेक करना है कि कोई वैल्यू आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिट कर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है तो उस केस में आप क्या लगाओगे इंक्लूड मेथड एरे एरे का इंक्लूड मेथड आप यूज करोगे टू चेक वेदर द वैल्यू इंक्लूड, इंक्लूड इन दैट एरे और नॉट ठीक है तो ये इसका फंडा है तो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे